अभी हाल फिलहाल मैंने बेबाकी देखी थी, और उस टाइम मेरा दिमाग का इतना जो भोसड़ा हुआ था, इतना दिमाग ख़राब हुआ था। उसके बाद मुझे लगा था कि कोई ऐसी वेब सीरीज़ नहीं आने वाली। हालांकि एक्चुअली में आने वाली है, सितंबर 19 को आपको पता चल ही गया होगा कौन सा वाला है। तो लेकिन उससे पहले ही ये सरप्राइज़ में ये एक वेब सीरीज़ आ गया हंगामा प्ले की तरफ से, जिसका नाम है रायता फैल गया, जो कि मेरे जिंदगी में 2-3 घंटे तक और मेरे दिमाग में जो रायता फैलाया, और मैं क्या बताऊँ आपको, यही मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करके बताने वाली हूँ। आई नो इट इज इट मीन्स आई कॉन्ट डिस्क्राइब दैट मच, बट फिर भी आप प्लीज़ मेरे दुख में ज़रूर शरीक होना। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप जान सको कि आपको ये वेब सीरीज़ क्यों नहीं देखनी चाहिए। यस, आपने ठीक सुना कि ये वेब सीरीज़ आपको पहले से ही नहीं देखनी, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग का भोसड़ा हुआ है, जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, जो मुझे डिप्रेस्ड एंड इंसोमनिया टाइप की जो बीमारी मेरी चली गई, मैं सोच रही हूँ कि आपका भी दिमाग थोड़ा ख़राब कर दूँ और मैं पूरा स्पॉइलर से भरा ये रिव्यू दे दूँ। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। और हाँ, अगर मेरे फैमिली में ज्वाइन नहीं हुआ, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे आने वाले वीडियोज़ की, जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे वेब सीरीज़ फिल्म रिलीज़ होने वाली हैं इस हफ्ते। एंड लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आ गई हो तो, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर हेल्पफुल लग जाए। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है चार दोस्तों की, निठल्ले निकम्मे निखट्टू, जो कि चार बैचलर मतलब रूम शेयरिंग करके रहते हैं, एक फ्लैट में रहते हैं। एंड वहाँ इन दो लड़कों के मतलब एक गर्लफ्रेंड है, एंड वो लोग आती जाती रहती हैं, सेक्स लाइफ यू नो सेक्स इसके वजह से। लेकिन किसी एक का बाप मतलब इन चारों में से किसी एक का बाप आता है, मतलब उनके घर में कितने दिन रहने के लिए आता है, एंड इनके इनकी ज़िंदगी की कैसे तहलका मच जाता है, एंड इनकी ज़िंदगी की कैसे बैंड बजा देता है, इनके प्राइवेसी लाइफ की कैसे धज्जियाँ उड़ जाती है, यही है बाकी की स्टोरी। तो अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। तो जैसे मैंने बोला था, इनकी प्राइवेसी लाइफ की जितनी धज्जियाँ नहीं उड़ती, मेरे दिमाग का इतना धज्जियाँ उड़ गया जब ये देखा, क्योंकि स्टार्टिंग से ये मतलब जो क्या उसे कहते हैं, मतलब ये जो वेब सीरीज़ है इतनी प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल तो छोड़ो, फनी तो बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे लगा था हाँ थोड़ा कॉमेडी होने वाला है, तो मैं भी थोड़ा टाइम मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, ये तो वन लाइनर्स होंगे, ना ही वन लाइनर्स थे, ना ही कॉमेडी थी, ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश। जैसे हम लोग बच्चे लोग खाते नहीं बचपन में, माँ ऐसे ज़बरदस्ती मुँह को मतलब जबड़ा को पकड़ के खिलाती है ना, जो सब जैसे माँ मतलब बहुत इरिटेटिंग हो गई होगी, 2-3 घंटे बैठी होगी अपने बच्चे को खिलाने के लिए कि खा ले बेटा खा ले, वैसे टाइप का मुझे लगा। ये डायरेक्टर भी ऐसे ही कर रहा है कि एक्ट्रेस को ना मतलब मुंह मतलब एक्ट्रेस को जबरदस्ती पकड़ के रखा है, भले तू एक्टिंग जैसे भी हो, जैसे तैसे गोबर टट्टी जैसे भी एक्टिंग कर और निकल जाए यहाँ से, लेकिन एक्टिंग कर दे। वैसे ही मुझे लग रहा है कि हम लोग को भी जबरदस्ती यहाँ पे वेब सीरीज कॉमेडी करवाने की कोशिश किया, मतलब डायरेक्टर ने बहुत कोशिश की है एक्टर से कॉमेडी करवा सके, लेकिन यहाँ पे एक्टर जो जबरदस्त फेल हो जाते हैं। तो अब स्क्रीन प्ले के तरफ बढ़ते हैं। तो पहले सीन में दिखाता है कि ये चारों लोग निखट्टू हैं, एंड एक 2-3 दिन बाद एक रूममेट बोलता है उनके दोस्तों को दारू पीते वक्त कि ये सब ना जो मतलब जो घर में जो भसड़ मचा रखी है, और अपने जो आवारा जैसे आवारा गर्दी करते हो, वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा बाप आने वाला है 2 दिन बाद, एंड वो बहुत ही संस्कारी है। तो बाप जैसे कि 2 दिन बाद आने वाला था, लेकिन 1 दिन पहले ही आ जाता है, इनके लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाती है, इनके गर्लफ्रेंड्स के होते हैं, मतलब बहुत ही स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसके बाद क्या होने वाला है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि अभी गर्लफ्रेंड है तो ये लोग बोलेंगे कि ये मेरी बहन है या भाभी है, किसी और की गर्लफ्रेंड है, किसी और के सर पर लाद देंगे कि नहीं यही मतलब वो ये सब आवारा गर्दी करता, मैं तो बड़ा साधु संत हूँ, वैसे टाइप की प्रेडिक्टेबल स्टोरी। और इतना मतलब क्या कहा जा सकता है, मतलब स्टोरी एक समय में अगर डेविड धवन की बहुत सारी फिल्में देखी है, कुली नंबर वन, आंटी नंबर वन, जो भी नंबर वन है यार, तो उसमें जैसा है लॉजिक एंड स्टोरी का कुछ काम नहीं होता था, यहाँ पे भी लॉजिक स्टोरी कॉमेडी किसी का भी कुछ भी काम नहीं है। मतलब मुझे लग रहा था बेबाकी एंड जो क्या हो सकते हैं एकता कपूर के जो सीरियल्स होते हैं या वेब सीरीज़ होते हैं, उससे ज़्यादा इलॉजिकल कुछ भी नहीं होता, अगर मतलब कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन एकता कपूर के एल्ट बालाजी को कड़ी टक्कर देने के लिए हंगामा प्ले ने इस ऐसे वेब सीरीज़ को मतलब रिलीज़ कर दिया, जिसे बोलोगे अरे भाई हमसे ज़्यादा इलॉजिकल, हमसे ज़्यादा भसड़ कोई नहीं मचा सकता। मतलब क्यों क्यों ऐसे टाइप का वेब सीरीज़ रिलीज़ कर देते, अगर नहीं था स्टोरी तो बचा लेते यार, कोई और रिसर्च कर लेते, 1-2 साल बाद रिलीज़ करते, कौन सा तुम लोग मतलब कौन से ऑडियंस भागी जा रही थी। एक सेक्शन
एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस तो देखेगी ना अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, लेकिन नहीं, इनको तो यही ठूसना था कि एक लड़की को, मतलब एक 4-5 आवारा लड़कों को ले आओ, कोई उसके रिश्तेदार आ जाएंगे, उसके बाद इन लोग के लाइफ की धजियाँ उड़ जाएगी, उसके बाद 2-3-4 दिन बाद फिर से और एक लड़के का और कोई बुआ या नानी या कोई और रिलेटिव आ जाएगा, उस बाप का एक मतलब लव एट फर्स्ट साइट जो बोलते हैं वो हो जाएगा। पहले ये बताओ कि लव एट फर्स्ट साइट किसको होता है भाई, किसको होता है, कितनों को हुआ है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो। मेरे जितने जानने में लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता, लव एट लस्ट एट फर्स्ट साइट होता है। या तो आप पहले जो देख के जो पसंद कर लेते ना, वो एक तो हवस के लिए हो सकता है या तो सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए हो सकता है, और कुछ के और प्यार के लिए नहीं होता यार। तुम सामने वाले इंसान को 1 मिनट या 2 मिनट, मतलब 2 मिनट पहले ही मिले, उसके बारे में हार्डली कुछ जानते हो, तुम्हें कैसे प्यार हो सकता है? कुछ भी इलॉजिकल दिखाओगे और हम लोग देख लेंगे क्या? और आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन से मुझे नींद नहीं हो रहा था, और मैं जब से ये वेब सीरीज देखना शुरू की दोपहर में, बिलीव नहीं करोगे, मैं आधे घंटे में सो गई। उसके बाद फिर से मैं जब मोबाइल मैंने फिर से जब ऑन किया तब देखा, मैंने पूरा का पूरा वेब सीरीज खत्म हो चुका था। मैंने बोला अरे भाई मैं कहाँ थी, फिर से फर्स्ट एपिसोड देखा मैंने, मतलब इतना नींद आ रहा था भाई। लेकिन मुझे रिव्यू के पर्पज़ में पूरा का पूरा वेब सीरीज देखना पड़ा। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये वेब सीरीज टॉलरेट मत करो। एंड लास्ट एंडिंग भी पता है, ये भी इतना वाहियात है, इतना प्रेडिक्टेबल है कि आपको देख के लगेगा भाई क्यों देखा मैंने ऐसे, क्या बवासीर है ये। लास्ट में एंडिंग में क्या हुआ कि ये जो मैं बोली और एक दूसरे वाले जो रूममेट का जो बुआ आई थी, मतलब कोई रिश्तेदार आई थी, उसके साथ इसका प्यार हो गया। इस बाप का जो बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा ही आदर्शवादी, बहुत ही संस्कारी जैसा होता था, वो क्या हुआ उससे शादी कर लेता है, और ये दोनों शौक हो जाते हैं, ये जो दो रूममेट जिनके रिश्तेदार आए हैं, और वो इतना बड़ा मतलब आलू जैसा मुंह करते हैं और वहीं पे मतलब बेहोश हो जाते हैं। भाई शादी तो कर लिया ना तुमने, सेक्स तो करते हुए नहीं देखा, तुम लोग एकदम सदमे में चले गए, इतना ओवर एक्टिंग क्यों भाई? जी यार मुझे लग रहा था भाई कि मैं एल्ट बालाजी के वेब सीरीज़ को ही सोचती हूँ लॉजिकल है, नहीं तो कभी कभी लगता है कि नहीं एल्ट बालाजी पॉन या कुछ भी कर, मतलब पॉन या घटिया से घटिया वेब सीरीज़ करती है। लेकिन नहीं, हंगामा प्ले ने बोल दिया कि हम भी लाइन में है भाई, हम भी है लाइन में, हमें भी रोस्ट कर लो, हमारे भी थोड़ी धजियाँ उड़ा लो। ठीक है, मैंने उड़ा दी धजिया। अगर आपको ये धजिया, मतलब आपको ये रिव्यू जो कि रिव्यू कम और तौहीन ज़्यादा थी, पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैं इसे रेट करना चाहती हूँ 2 stars out of 5 stars। मैं सोच रही थी कि वो 0 star दूँ, लेकिन नहीं, मतलब अनन्या पांडे के लिए तो रहे। और बाय द वे पिछले, मतलब इस वेब सीरीज़ को देखने से अच्छा है कि आप जाके खाली पीली का जो न्यू सॉन्ग है बियॉन्ड शर्मा जाएगी, पता नहीं यार किस क्या सोच के ये गाना बनाते हैं, वो वाला देख लो। और ये तो देखने के बाद मुझे तो डेफिनेटली आंखों से खून निकल जाएगा, खून के आंसू रोओगे आप। एंड अगर आपको इंसोम्निया है तो आप ये वेब सीरीज ज़रूर देखो, कोई बीमारी है तो आप ज़रूर देखो, क्योंकि आपको इतनी भयंकर नींद आएगी, आप बोलोगे भाई मैं सो जाता हूँ लेकिन ये वेब सीरीज नहीं देख सकता। आई कैन बेट यू दैट आफ्टर वॉचिंग 15 मिनट्स, हार्डली 15 to 20 मिनट्स देखो, उसके बाद अगर आप नींद नहीं है ना, मेरा नाम बदल देना आप। तो मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।